फ्रेंड्स इन भी टॉपिक टेबल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज एंड लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम उनके इफेक्ट क्या होते हैं हम वो देखेंगे। फर्स्ट एज इधर पे हमने स्टार मार्क किया है। स्टार मार्क मीन्स ये चार प्रॉपर्टीज हम पहले स्टडी करेंगे एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट एटॉमिक साइज। फर्स्ट एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज इज द प्रॉपर्टी कि न्यूक्लियस से लेके फ्रॉम न्यूक्लियस टू देयर आउटरमोस्ट शेल, जो डिस्टेंस बिटवीन रहता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक साइज। नाउ दैट इफेक्ट और ट्रेंड्स। इन ट्रेंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। वी विल सी इन दिस एग्जाम्पल लेफ्ट टू राइट सेकेंड पीरियड के एग्जाम्पल में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ये सारे एलिमेंट मेंशन होते हैं। अभी एग्जाम्पल में मैंने दिया है लिथियम बेरिलियम मतलब सेकेंड पीरियड। अब इसमें क्या है? न्यूक्लियस फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड शेल ऑफ लिथियम बेरिलियम। अब इसमें क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स इसी शेल में एंटर हो रहे हैं, कोई न्यू शेल एंटर नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं। इसकी वजह से लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बट अगर हम टॉप टू बॉटम देखेंगे, टॉप टू बॉटम में हमने एग्जांपल लिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड। अब इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड का मतलब शेल इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट शेल है लिथियम बेरिलियम, नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर है उसका 11 जो थर्ड शेल में कंटेंट है। इसका मतलब हो रहा है एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। नेक्स्ट हम लोग ये हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ या फिर टेंडेंसी या फिर कैपेसिटी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एटम हो या एलिमेंट हो, कुछ भी हो, वो अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है उसका ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज वी डिस्कस इन एटॉमिक साइज। हमने एटॉमिक साइज में देखा कि फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल क्या हो रहा है, हमने डिस्टेंस देखा है और वहाँ पे कोई शेल नहीं इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एंट्री हो रहा है। तो हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो उनकी मतलब न्यूक्लियस से लेके ये जो शेल का कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की लेने का, वो टेंडेंसी इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। बट एज हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम हमने एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड। अभी इसमें क्या हो रहा है? शेल इंक्रीज हो रही है और उसी से इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा, अब हम लोग उसी का ऑपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी देखेंगे। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स लेना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज सिंस इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में देखेंगे उसका ट्रेंड्स क्या होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। सिर्फ अभी हम लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात किया, वो क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, उसका ऑपोजिट मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसका डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, बट एज टॉप टू बॉटम उसकी टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग ने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एटॉमिक साइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसका उल्टा या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? इट इज द टेंडेंसी और कैपेबिलिटी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। मतलब टेंडेंसी होगा या फिर जो हम लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूज कर रहे हैं आउटरमोस्ट शेल के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट गाइस हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट उसकी ट्रेंड्स। लेफ्ट टू राइट टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंट्री हो रहा है शेल में। अब एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, अब मैं मुझे वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में लगेगा, इसके लिए लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन
potential energy increases. But as we see top to bottom, ionization potential enthalpy decreases. Why? Because shells are increasing now and electrons are decreasing. So that's why we can say that top to bottom ionization enthalpy decreases. अब उसका opposite electron gain enthalpy. अब electron gain enthalpy का meaning ही ऐसा है कि electron gaining करना. अब amount या फिर energy जो required है for electron gaining, इसको हम लोग बोलते हैं electron gain enthalpy. Now we will see trends. Trends में left to right electron gain enthalpy increases. मतलब same यहीं पे same वही हो रहा है जैसे ionization potential के लिए. इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है शेल में एंट्री करने की वो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज. ये हो गया हम लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एटॉमिक साइज. नेक्स्ट है मेटालिक प्रॉपर्टी एंड उसको अपोजिट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. अब मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो मेटल्स, जो ब्लॉक मेटल कैरी करे. एज वी नो हम लोगों के जो पी ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल है चार ब्लॉक्स कैरी करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. जो एस ब्लॉक होता है वो मेटल्स कैरी करता है, जो पी ब्लॉक होता है वो नॉन मेटल प्लस मेटलॉइड्स कैरी करता है एंड जो डी ब्लॉक होता है वो प्योर मेटल्स या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स कैरी करता है एंड एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं. अब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक में मेटल्स की प्रॉपर्टी ज़्यादा है एंड डी ब्लॉक में मेटल्स की प्रॉपर्टी ज़्यादा है. बट जैसे वो पी ब्लॉक्स में जाता है, पी ब्लॉक में उसकी प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लगती है. इसकी वजह से मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज. नेक्स्ट अब हम लोग टॉप टू बॉटम देखेंगे. टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस. एग्जाम्पल वी विल टेक एस एस ब्लॉक. एस ब्लॉक अगर हम एस ब्लॉक के स्टार्टिंग हाइड्रोजन से थर्ड पीरियड सोडियम भी लेंगे तो उसका मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाता है. इसकी वजह से टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस. नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. एज वी अभी नो मेटालिक प्रॉपर्टी का ऑपोजिट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. अब हम लोग सिंपल सोच सकते हैं नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब अब लेफ्ट टू राइट इसकी टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है बिकॉज पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल प्रॉपर्टी. दैट्स वाई अब ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस बट जैसे वो टॉप टू बॉटम आता है वो डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट ये हो गया हमारा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. नाउ टू मेन पॉइंट्स बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड. फर्स्ट वी विल सी एसिडिक ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड का मतलब जो एलिमेंट ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता हो, जिससे ज़्यादा एसिड्स प्रोड्यूस या फिर जिससे ज़्यादा एसिड बनने की टेंडेंसी हो. जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं HCl, HF, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. अब जब हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, लेफ्ट टू राइट एसिडिक प्रॉपर्टी या फिर एसिड ऑक्साइड प्रॉपर्टी की टेंडेंसी इंक्रीज. सो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एज वहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन ऐसे सारे एलिमेंट्स की सिचुएशन है. नेक्स्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट्स डिक्रीज. अब उसका उल्टा होगा बेसिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड मतलब लेफ्ट टू राइट उसकी टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है. इसकी वजह से बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज.